बत्तख मारे रहे वही मारे रहा। ग्राम टुड़ियार के ही दो लड़कों ने बत्तख के अंडों के लिए लिए जाने पर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। उसने लाठी से प्रहार करके जो सोहन लाल जी हैं उनके सर पर वार कर दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। क्या वही मारे रहे वही मारे रहा उसके बाद दो दिन हो गए हमको बनारस गए, हमसे कल बात हुआ जी, कोई बातचीत नहीं हुआ था। तीन चार आदमी आए बत्तख पकड़ने के लिए, मना किए। कहाँ के लोग थे जो बत्तख पकड़ने का आए थे? नहीं, चुड़ियारे के हैं। चुड़ियारे के थे। इनके वार कहाँ किया गया है, यानी चोट कहाँ आई है? चोट इनके सर पे आई हुई, सर पे मारे हुए। विवाद कब हुआ था? विवाद हुआ था 5-6 बजे, 7 बजे कल जो है 5 बजे शाम को। देर रात थाना मेजा पर यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सोहनलाल सुनकर इनकी ग्राम टुड़ियार में दो लड़कों ने इन पर एक लाठी से प्रहार कर दिया है, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा जो मृतक थे उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो मृतक की पत्नी है उन्हें भी हल्की चोटें आई थी, उन्हें तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया तथा जो उनकी पत्नी है वही चश्मदीप साक्षी भी हैं इस पूरे घटनाक्रम की। उन्होंने बताया कि मृतक और उसकी पत्नी ग्राम टुड़ियार में एक ज़मीन के कुछ भाग पर बतख पाल रखे थे। वहाँ 1000-2000 बतख इन लोगों ने पाल रखे थे, उसके अंडे का व्यवसाय करते थे। ग्राम टुड़ियार के ही दो लड़कों ने बतख के अंडों के लिए जाने पर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर दोनों पक्षों में कुछ बातचीत हो गई, जो कि बहुत ही मामूली बात से चालू हुई थी लेकिन मारपीट में तब्दील हो गई। इसी में एक व्यक्ति जिसका नाम मदारी बताया जा रहा है, उसने लाठी से प्रहार करके जो सोहन लाल जी हैं उनके सर पे वार कर दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक तहरीर प्राप्त करके मृतक की पत्नी के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक जो मुख्य अभियुक्त है मदारी, उसे मैं लाठी के हिरासत में ले लिया गया है। दूसरे अभियुक्त की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।